फिल्म पद्मावती में रानी पद्मिनी का किरदार निभा रही दीपिका पादुकोण को आए दिन धमकियां मिल रही हैं। वहीं जब दीपिका ने घूमर नृत्य कर दिया तो कई संस्थाएं उनके नाक कान काटने के साथ जान से मारने की धमकी देने लगी। ऐसे में उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बैंगलोर में बने उनके घर पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं विरोध का जवाब देने के लिए अभिनेत्री दीपिका और फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ पूरा बॉलीवुड खड़ा नजर आया। जो लोग चुप थे उन्होंने ये जरूर जाहिर किया कि वो करणी सेना से डर कर चुप है, वरना वो फिल्म और संजय लीला भंसाली के साथ ही खड़े हैं। इसी बीच महिलाओं के साथ गलत व्यवहार और उनकी सुरक्षा पर पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार रहने वाली और आने वाली फिल्म में झांसी की रानी का किरदार निभाने वाली कंगना रनौत नदारद दिखी। पहले सबको लगा कि वो अपनी फिल्मों की शूटिंग में बिजी है, लेकिन असल वजह जब सामने आई तो वो सबको हैरान करने वाली थी। खबरों की माने तो कंगना ने दीपिका और भंसाली के साथ इस मौके पर साथ देने से साफ इनकार कर दिया है। इसका खुलासा तब हुआ जब शबाना आजमी ने दीपिका बचाओ कैंपेन की शुरुआत कर बॉलीवुड के दिग्गजों को आने को कहा। उन्होंने इस कैंपेन में दीपिका की सुरक्षा का समर्थन करने वालों को साइन करने को कहा। इसमें करीना कपूर, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा जैसे बड़े नाम सामने आए, लेकिन जब साइन करने की बारी कंगना की आई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इस इनकार से हैरान शबाना आजमी ने वजह पता करनी चाही। सूत्रों ने बताया एक फिल्म में अकबर का किरदार निभाने वाले ऋतिक के साथ कंगना के हुए विवाद में बॉलीवुड की चुप्पी उनकी नाराजगी की वजह है। इसलिए आज जब उनका साथ बॉलीवुड चाहता है, बॉलीवुड क्वीन ने उसके लिए मना कर दिया। और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें।